राहुल गांधी भी झारखंड के चुनावी मैदान में उतरे, सिमडेगा में रैली की, कहा सरकार में आए तो 50% आरक्षण की सीमा खत्म करेंगे। झारखंड के चुनाव में राहुल की पहली रैली थी, आदिवासी और संविधान का जिक्र किया, कहा कि देश में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 90% है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी दलित और आदिवासी नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं अगर ये देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं, और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। राहुल के वार पर हिमंता विश्व शर्मा ने पलटवार किया, राहुल गांधी समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को, इसीलिए हम लोग बोलता हूँ एक रहो सेफ रहो। झारखंड में राहुल गांधी ने एक बार फिर खटाखट वाली बात दोहराई, कहा सरकार में आए तो हर महिला के खाते में खटाखट 2500 रुपए आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने में आने वाली एक बड़ी बाधा सुप्रीम कोर्ट ने दूर की, लेकिन अंतिम फैसला नई बेंच पर छोड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया था। 2005 में 1967 वाले फैसले के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू को मुस्लिम आरक्षण लागू करने से रोक दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये तय करते वक्त ये देखा जाना चाहिए कि उसकी स्थापना किसने की और किस मकसद से की। अब 3 जजों की बेंच नए सिरे से ये देखेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने के मापदंड पूरे करता है या नहीं। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक विदाई दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। इस दौरान कई इमोशनल और हल्के फुल्के पल भी आए। सीजेआई बोले, कल से न्याय नहीं कर सकेंगे, दिल दुखाया हो तो माफी। इस बीच वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के यंग लुक का राज पूछा। वी नो फ्रॉम दैट टाइम 42 इयर्स अगो कंप्लेंट्स दैट यू कंटिन्यू टू लुक द यंगेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली योर यूथफुल लुक्स मेक अस फील द ओल्डेस्ट, सो दैट सीक्रेट यू मस्ट टेल अस ऑफ द बेंच एटलीस्ट। अपने 2 साल के कार्यकाल में सीजेआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे, कुल 612 फैसले लिखे, इनमें आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, वन रैंक वन पेंशन, मदरसा केस और CAA NRC जैसे फैसले शामिल हैं। I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shayari. The shayari is Mukhalif se meri shaksiyat samvarti hai. Main dushmanon ka bada ehtiram karta hoon. सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। 10 नवंबर को संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। ABP News आपको रखे आगे।